नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन के मामले में बिहार को मिला 8वां स्थान। सरकारी स्कूल कॉलेज के बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप और टैब देगी सरकार। माध्यमिक शिक्षकों को जल्द मिलेगा उनका वेतन भुगतान। पंचायत चुनाव के लिए 15 दिनों में ईवीएम तैयार रखने का मिला आदेश। राज्य में हफ्ते भर तक बना रहेगा ड्राई स्पेल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वैक्सीनेशन के मामले में बिहार को मिला 8वां स्थान। देश भर के सभी राज्यों में से बिहार अब ऐसा 8वां राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। बीते दिन शुक्रवार को राज्य में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है। अकेले शुक्रवार को ही राज्य भर में 2,60,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया, जिसके साथ ही बिहार में अब तक 2,85,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। बताते चले कि अब तक 1,70,82,506 लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 30,02,818 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं देश में अब तक कुल 39.46 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बिहार से जिन 7 राज्यों में अधिक टीकाकरण हुआ है उनमें क्रमशः यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश शामिल है। राज्य में हफ्ता भर बने रहेगा ड्राई स्पेल। बिहार में मई जून महीने में अच्छी बरसात देखने को मिली थी, लेकिन जुलाई का आधा वक्त बीतने के बाद भी कोई खास बारिश नहीं हुई है। फिलहाल मानसून भी कमजोर हो गया है, जिस वजह से ड्राई स्पेल यानी कि सूखा दिन चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक छिटपुट बारिश की संभावना बनी है। हालांकि इसके 8 दिन तक बारिश के आसार नहीं है। IMD पटना के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में विशेष चक्रवात बन रहा है, जिससे एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। फिलहाल तो जुलाई महीने में लोगों को गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान सूखे की स्थिति रहेगी और तापमान में अधिकता बनेगी। बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की शुरू हुई पहल। भारतीय रेल द्वारा देश भर के 123 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ किए जाने की पहल शुरू हो चुकी है। इसके तहत अपने राज्य बिहार के भी 5 स्टेशनों के कायाकल्प को बदला जाना है। इसके तहत पूर्व मध्य रेल के गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाना है। इसके तहत स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां वेंटिलेशन की सुविधा होगी। साथ ही स्टेशन पर ही मॉल, मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर व लिफ्ट्स लगेंगे। साथ ही साथ कई तरह की यात्री सुविधाओं को भी बहाल किया जाएगा। अब विधानसभा स्तर पर खुलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्र। बिहार सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास में कई योजनाएं लागू कर रही है। नए फैसले के अनुसार अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खोलने का फैसला लिया गया है। यह फैसला बीते दिन ही कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। इस फैसले के बाद अब विधायकों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा के मिलने से एक विधानसभा क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही निचले स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। सरकारी स्कूल कॉलेज के बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप और टैब देगी सरकार। बिहार के सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के करीब 36 लाख बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप और टैब दिए जाएंगे। इसकी तैयारी जोरों पर है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस बाबत इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की है, जहां कंपनियों ने अपने डिवाइस का प्रेजेंटेशन भी दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कंपनी के प्रतिनिधियों को लिखित रूप से प्रेजेंटेशन के पूरे प्रस्ताव को शिक्षा विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी यह तय नहीं किया है कि बच्चों को छोटा लैपटॉप दिया जाए या फिर टैब। अब कंपनी से प्रस्ताव मिलने के 15 दिनों के बाद विभाग इस पर खर्च होने वाली राशि पर चर्चा करेगी। सरकार की इस योजना से कोरोना काल में हाई स्कूल के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षकों को जल्द मिलेगा उनका वेतन भुगतान। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के तहत बीते दिन शुक्रवार को 97,85,93,000 रुपए जारी कर दिए हैं, जिससे अब जल्द ही माध्यमिक शिक्षकों की सैलरी उन्हें दी जाएगी। सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को पोर्टल ई लॉट्स यानी कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के माध्यम से अब तक जिन भी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है उनकी रिपोर्ट को भी 25 जुलाई तक देने को कहा गया है। बता दें कि ई लॉट्स पोर्टल को 1ली से 12वीं तक के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है, जिसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग लेने को कहा गया था, जिसके बाद वे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे। इससे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने में सहूलियत मिलेगी। इस पोर्टल पर सभी क्लास के सिलेबस की ऑडियो और वीडियो सामग्री मिल जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए 15 दिनों में ईवीएम तैयार रखने का मिला आदेश। कोरोना के घटे मामलों के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इसे लेकर बीते दिन शुक्रवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों को
तमाम राज्यों से ईवीएम ले आने का निर्देश दिया है। साथ ही अगले 15 दिनों के अंदर सभी ईवीएम को मंगवाने के साथ ही फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया भी पूरी करने का निर्देश दिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि अगर किसी जिले में अतिरिक्त ईवीएम बच जाएंगे तो उन्हें रीटैगिंग करके वैसे जिलों में भेजा जाएगा जहां कम ईवीएम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सभी डीएम को आरक्षित सीटों के डिजिटलाइजेशन का काम भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इससे आम लोग देख सकेंगे कि कौन सी सीट किस जाति के लिए आरक्षित है। बॉम्बे पर्यटक स्थलों के बीच चलेगी सीएनजी बसें। बिहार में आने वाले विदेशी सैलानियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया करवाने की पहल बिहार में शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बौद्ध पर्यटक स्थलों के बीच सीएनजी बसों का परिचालन होने वाला है। जानकारों की माने तो यह बसें पटना से राजगीर होते हुए बोधगया और पटना से वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी। वैशाली व बोधगया में काफी संख्या में बौद्ध तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। परिवहन निगम की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बोधगया व मुजफ्फरपुर के लिए पहले चरण में दो दो सीएनजी बसें चलाने की योजना है। इन बसों को चलाने के लिए गया व मुजफ्फरपुर में गेल कंपनी दो दो सीएनजी पंप स्थापित करेगी। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भी 4-5 दिनों में एक नई इलेक्ट्रिक बस की सुविधा शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 90% सदस्यों के टीकाकरण होने का किया दावा। बिहार में जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हालांकि कोरोना के मामलों को देखते हुए सत्र शुरू होने से पहले सदन में शामिल होने वाले सदस्यों को टीका लेने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका था, जिसके बाद अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने सदन के लगभग 90% सदस्य का टीकाकरण होने की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे सदस्यों से खास अपील की है जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया है, वो जल्द ही जल्द टीके के कम से कम एक डोज को ले ले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिना टीका लेने वाले सदस्यों को सत्र में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। स्पीकर विजय सिन्हा का मानना है कि विधायक समाज के प्रहरी होते हैं, अगर वे कोरोना का टीका ले लेंगे तो लोगों में टीकाकरण को लेकर जो भय है वह खत्म हो जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी के बदहाल छात्रावासों पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। बिहार की राजधानी पटना में भी विश्वविद्यालयों के छात्रावासों की स्थिति काफी खराब है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल एक जनहित याचिका में पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों की दुर्दशा की तस्वीर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी और असंतोष जाहिर किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले में कहा कि जब पटना में हॉस्टल की ऐसी हालात है तो अन्य जगहों पर हॉस्टल की क्या हालत होगी। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी वाइस चांसलर की बैठक बुलाकर यूनिवर्सिटी हॉस्टल की स्थिति के बारे में विचार करने को कहा है। साथ ही सभी हॉस्टल की स्थिति का पता लगाने को भी कहा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 अगस्त को की जाएगी। बता दें कि राज्य के शिक्षा विभाग ने इसी साल मार्च महीने में ही विश्वविद्यालयों से सभी तरह के फंड पर बनाए गए हॉस्टल की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगा था। अवैध बालू खनन मामले में फील्ड से हटाए गए अफसरों पर गिरेगी गाज। सूबे बिहार में अवैध बालू खनन में संलिप्तता रखने वाले सरकारी अफसरों की अब खैर नहीं होगी। इस अवैध धंधे में जिन भी अफसरों को फील्ड से हटाया गया है उनकी मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। अब इनकी संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को इनकी संपत्ति की जांच करने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि 41 अफसरों की संलिप्तता पाए जाने के बाद से उन्हें हटा दिया गया था। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए अब इनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। पटना स्थित IGIMS में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का कल होगा शुभारंभ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में अब बिहार में ऑक्सीजन की कमी की कोई चिंता नहीं रहेगी। कल यानी कि रविवार को पटना के IGIMS अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जा रही है, जिसकी लागत 60 लाख रुपए है। इस प्लांट की खासियत यह है कि यह हवा से एक मिनट में 233 लीटर ऑक्सीजन तैयार कर लेगा। इसके बाद यहां 3 और प्लांट स्थापित होने हैं जो कि एक महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इस नए ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा उसकी सप्लाई इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में की जाएगी। इसके बाद वार्डों में सप्लाई किया जाएगा। प्लांट का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। महावीर मंदिर को नियंत्रण में लेने के लिए अयोध्या में चल रहा है अभियान। पटना स्थित बिहार के फेमस महावीर मंदिर पर अधिकार जताने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी चला रहा है। इस बीच महावीर मंदिर न्यास के सचिव ने साफ किया है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी से पटना के महावीर मंदिर का कोई वास्ता नहीं है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार महावीर मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और इसका संचालन वर्ष 1935 से ही महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा हो रहा है। एक समझौते के तहत धार्मिक न्याय परिषद इसके संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हालांकि बाद में 1990 में धार्मिक न्याय परिषद ने इसके संचालन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। माना जा रहा है कि महावीर मंदिर की लोकप्रियता अयोध्या में काफी बढ़ रही है, इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर इसके अपने नियंत्रण में लेने का दावा कर रही है।
विजय सिन्हा ने विधायकों से मारपीट मामले में दिया बयान। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन के दौरान पुलिस और विधायकों के बीच झड़प व मारपीट के मामले में जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। यह बात विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बीते दिन शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बताते चले कि 26 जुलाई से विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होंगे। इससे पहले विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर विधायकों की सुरक्षा की गारंटी और मारपीट मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी के जवाब में विजय सिन्हा ने विधायकों को अनुशासन बनाए रखने की बात कही थी और अब पत्र के जवाब में कहा गया है कि जल्द ही मारपीट की घटना की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले रवि किशन का आज है जन्मदिन। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मगर बिहार की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहारियों के दिलों में इन्होंने खास पहचान बनाई है। भोजपुरी को मुख्य धारा की फिल्मों से जोड़ने का बड़ा क्रेडिट रवि किशन को भी जाता है। बचपन में रवि किशन के पिता चाहते थे कि वे दूध बेचने का बिजनेस करें, मगर रवि का मन फिल्मों में ज्यादा लगता था। इसके लिए पिता से उन्होंने मार भी खाई थी। बाद में 17 साल की उम्र में 500 रुपए लेकर वे मुंबई आ गए थे, जहां से उनके सितारे चमकना शुरू हुए। रवि किशन को हिंदी फिल्म तेरे नाम के लिए बेस्ट को एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही उनकी भोजपुरी फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। फिलहाल रवि किशन का राजनीतिक करियर भी अच्छा चल रहा है। वे गोरखपुर से बीजेपी सांसद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अब तक में बिहार सरकार की कौन सी योजना आपको सबसे सफल लगती है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।